नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देश भर में रविवार को मनाया जाएगा बकरीद। उलेमाओं ने कहा दूसरे धर्म की भावनाओं का रखे ख्याल। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य समागम का हुआ आयोजन, कई हस्तियों को किया गया सम्मानित। बकरीद को लेकर जिले भर में सुरक्षा के रहेंगे पुख्ता इंतजाम। शहरी क्षेत्र में निकाला गया फ्लैग मार्च। हमीरपुर की युवती ने शादी का झांसा देकर प्रेमी पर लगाया यौन शोषण करने का आरोप। पीड़िता ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। और शॉर्ट सर्किट के कारण घर में लगी अचानक आग। घर का सारा सामान जलकर हुआ राख। अब खबरें विस्तार से। बकरीद का त्यौहार रविवार को देश भर में मनाया जाएगा, जिसको लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। भागलपुर की कई मस्जिदों में सुबह 6 बजे से बकरीद की नमाज शुरू हो जाएगी। खानका पीर दमड़िया उल्टा पुल मस्जिद में सुबह 6 बजे, जबकि तातारपुर मस्जिद में 7:30 बजे बकरीद की नमाज होगी। मौलाना चक स्थित खानका शहबासिया में 10:30 बजे, शाहजंगी ईदगाह में 10 बजे, कन्नीगढ़ में 7 बजे और बरहपुरा ईदगाह में 9 बजे ईद उल अजहा की नमाज अदा की जाएगी। वहीं उलेमाओं ने सभी लोगों से सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी ना करने की अपील की है। साथ ही दूसरे धर्म के लोगों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए बकरीद का त्यौहार मनाने पर जोर दिया गया। इधर शहरी क्षेत्र में बकरीद के अवसर पर नगर निगम प्रशासन की ओर से अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में विशेष साफ सफाई कराई गई है। साथ ही पशुओं का अवशेष गाड़ने के लिए जेसीबी से गड्ढा भी कराया गया। ईदगाह और मस्जिदों के आसपास चूना ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव भी किया जा रहा है। वहीं कई समाजसेवी अपने निजी फंड से गली मोहल्ले को स्वच्छ रखने में जुटे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को वार्ड नंबर 40 के भावी पार्षद प्रत्याशी किश्वर और समाजसेवी वसीम खान उर्फ लल्लू ने हुसैनपुर इलाके में विशेष साफ सफाई अभियान चलाया। इस दौरान किश्वर ने ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करते हुए वार्ड को सुंदर और स्वच्छ रखने का संदेश दिया, जबकि समाजसेवी वसीम खान ने लोगों से कुर्बानी के बाद मवेशी के अवशेष को गड्ढा में दफन करने की अपील की। शिया वक्फ कमेटी के जिला सचिव सैयद जीजा हुसैन ने बताया कि ईद उल अजहा त्याग और बलिदान का संदेश देता है। उन्होंने लोगों से बकरीद शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील की है। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर स्वाधीनता सेनानी तिलका मांझी को समर्पित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य समागम का शुभारंभ शनिवार को हो गया। कार्यक्रम का उद्घाटन तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय सीनेट हॉल में आगत अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया। साहित्य समागम में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के कवि लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर शिव नारायण, इतिहासकार शिवशंकर सिंह परिजात, कई जनप्रतिनिधि, साहित्यकार, कवि, समाजसेवी, TMBU के अधिकारी समेत काफी संख्या में साहित्य से जुड़े लोगों ने शिरकत की। राष्ट्रीय समागम का आयोजन केंद्रीय हिंदी संस्थान, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, आगरा और अंक मदद फाउंडेशन भागलपुर के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। वहीं वरिष्ठ पत्रकार प्रसून लतांत कुमार कृष्णन और वंदना झा ने कहा कि उद्घाटन समारोह के दौरान 5 हस्तियों को अंशी सम्मान से सम्मानित किया गया है। समागम के दौरान डॉक्टर अमरेंद्र और डॉक्टर सुनीता की नई प्रकाशित पुस्तकों का लोकार्पण भी किया गया। इस अवसर पर विधायक गोपाल मंडल, प्रोफेसर रतन मंडल, कुणाल सिंह, इनुल होदा, अस्तित्व झा समेत कई लोग मौजूद थे। देखिए, अंग राष्ट्रीय साहित्य समागम का आयोजन आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर किया जा रहा है। भागलपुर तिलका मांझी के शहादत से गौरवान्वित है। तिलका मांझी सिर्फ स्वाधीनता सेनानी नहीं, बल्कि आज़ादी की लड़ाई के प्रथम स्वाधीनता सेनानी का महत्व रखते हैं। उनके शहर में हम इस आयोजन का उनको समर्पित होकर कर रहे हैं और स्वाधीनता सेनानी, स्वाधीनता संग्राम और इन सब का साहित्य और समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है पिछले 75 सालों में, उनको जानने समझने के लिए यह समागम का आयोजन किया गया है। ये प्रोग्राम हम अंग मदद फाउंडेशन के द्वारा इनके गांधी राष्ट्रीय हिंदी साहित्य संस्थान आगरा के सहयोग से किया जा रहा है, भागलपुर के यूनिवर्सिटी के सीनेट हॉल में। और ये एक साहित्यिक कार्यक्रम है और पूरी ये स्वाधीनता संग्राम के पे आधारित ये कार्यक्रम है। और चूंकि ये साहित्यिक कार्यक्रम है, इसलिए हम लोग ये कार्यक्रम जो है यूनिवर्सिटी के सीनेट हॉल में करने का निर्णय लिया है। और यहाँ इसमें बहुत सारे लोग जो दिल्ली से आए हुए हैं, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, ये साहित्यिक से जुड़े हुए लोग हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान और अंग मदद फाउंडेशन की ओर से 2 दिवसीय अंगजन
साहित्य समागम का आयोजन किया गया है और यह पूरी कार्यक्रम तिलका मांझी को समर्पित है। तिलका मांझी देश के स्वाधीनता संग्राम के प्रथम सेनानी थे और तिलका मांझी का ताल्लुक भागलपुर से है, इसी तिलका मांझी चौक पर उनको फांसी दी गई थी। तो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है, तो ऐसे मौके पर जो है हम स्वाधीनता संग्राम को याद करते हैं और साहित्य के कार्यक्रम को इसलिए किया गया है कि साहित्य का प्रभाव जो है स्वाधीनता संग्राम का में किन किन साहित्यकारों पर पड़ा उसका मंथन करेंगे। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव पे कार्यक्रम होने वाला है। ये कार्यक्रम है स्वाधीनता पे जो है अपना जो हम लोग जो किए थे स्वाधीनता का बहुत बड़ा योगदान था आज़ादी में। तीन हम लोग गांधीवादी विचारों से के साथ हम लोग थे, हम लोग क्रांतिकारी विचारों के साथ, स्वाधीनता का भी बहुत बड़ा जो था कवियों का बहुत बड़ा साथ था हम लोग का, उस साथ से ही आज़ादी मिला। उसी महोत्सव पे हम लोग मनाते हुए कि तिलक मांझी जी का भी बहुत बड़ा योगदान था हमारे आज़ादी में, उनका अमृत महोत्सव हम लोग आज यहाँ मना रहे हैं सीनेट भवन में। वकीत को लेकर विधि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए शहर में पुलिस प्रशासन की ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान असामाजिक तत्व और अपराधियों पर नजर रखने और लोगों को पुलिस पर भरोसा कायम रखने को लेकर अलग अलग चौक चौराहों पर मार्च निकाला गया। वहीं पुलिस ने अपनी मुस्तैदी दिखाते हुए लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से वकीत मनाए जाने की अपील भी की। फ्लैग मार्च का नेतृत्व सर्जन मेजर के शर्मा ने किया, जबकि फ्लैग मार्च में SSP, CIAT और जिला पुलिस बल के जवानों ने हिस्सा लिया। इससे पूर्व फ्लैग मार्च पुलिस लाइन से निकला और शहरी क्षेत्र होते हुए नाथनगर, अलीगंज, जगदीशपुर समेत कई इलाकों से घूमते हुए पुलिस लाइन आकर संपन्न हुआ। साथ ही पुलिस अधिकारियों ने शांतिपूर्ण माहौल में बकरीद मनाए जाने की अपील लोगों से की। ये बकरीद विधि व्यवस्था को लेकर के शहरी क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। पुलिस लाइन से इसका रूट है, ये हम लोग यहाँ से कचहरी चौक, मनाली, जोगसर, बुरानाथ विश्वविद्यालय, सराय चौक होते हुए इस तरह करके फिर मनाली चौक, तिलका मांझी, फिर पुलिस केंद्र लौटेंगे। ये बेसिकली बकरीद विधि व्यवस्था को लेकर के ये फ्लैग मार्च है, जिसमें हमारे SSB के जवान हैं, CIT है, जिला बल है, DMP है और थाने के पदाधिकारी लोग। भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने अपने प्रेमी पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर पीड़ित युवती ने भागलपुर के रेंज DIG विवेकानंद को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सदुद्दीन चक पार्ट नंबर 8 निवासी एक पीड़िता ने पुलिस उप महानिरीक्षक विवेकानंद से मिलकर हबीबपुर थाना क्षेत्र अशरफ नगर शाहजंगी निवासी मोहम्मद लड्डू के पुत्र मोहम्मद तस्लीम द्वारा शादी का भरोसा देकर यौन शोषण करने और बाद में शादी से इनकार कर देने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने DIG को दिए गए आवेदन में स्थानीय थाना द्वारा मामले में आरोपी पक्ष के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मोहम्मद तस्लीम से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था और फोन पर भी उसकी अक्सर बात होती रहती थी, जबकि उसने ईद के बाद शादी करने का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया और बाद में शादी की बात से मुकर गया। पीड़िता ने कहा कि विगत 5 मई को तस्लीम ने उसे फोन कर रात के वक्त मुस्लिम हाई स्कूल के पास मिलने बुलाया और उस पर भरोसा करके वह उससे मिलने चली गई, जिसके बाद उन दोनों ने पास के मॉल स्थित रेस्टोरेंट में नाश्ता किया और उसके द्वारा मना करने के बावजूद पास के कमरे में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती की। वहीं इस मामले में पीड़िता ने तस्लीम और उसके घर वालों पर शादी करने के बदले पैसे लेकर केस को वापस लेने और ऐसा नहीं करने पर पूरे परिवार को जान से मार देने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। साथ ही पीड़िता ने DIG से न्याय की गुहार लगाते हुए उचित कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। तस्लीम नाम का लड़का जो मेरे से 3 महीने से प्यार करता था, वो बोला कि हम लोग ईद के मौके पे मिलते रेस्टोरेंट में शादी का बात करेंगे, तो मुझे बुलाया जबरदस्ती, हम चले गए तो वहाँ मेरे साथ जबरदस्ती करा और फिर बोला कि शादी करो, बोला शादी हम नहीं करेंगे। फिर हम घर आकर के बताएं, घर वाले मेरे सरपंच को बुलाए, हम लोग के मोहल्ले में पंचायती हुआ, पंचायती में शादी करने के लिए तैयार हो गया। फिर मेरे भैया को बोला कि हमको गाड़ी चाहिए, मेरे भैया बोले ठीक है हम गाड़ी देंगे। फिर उसके बाद सब लोग वहाँ पंचायत से चले आए, तो फिर बाद में दूसरे आदमी के हाथ में खबर भेज रहा है कि 2 लाख रुपया ले लीजिए और हम शादी नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे, जेल चले जाएंगे लेकिन शादी नहीं करेंगे, आप लोग 2 लाख रुपया ले लीजिए और हम सुटाइट कर लेंगे, शादी कर लेंगे। भागलपुर बबरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत अलीगंज गंगटी निवासी अनिल यादव के घर में शॉर्ट सर्किट होने से अचानक आग लग गई, जिससे घर में रखा सारा सामान जल कर राख हो गया, जबकि इस आगजनी की चपेट में आने से घर में रखी 2 बकरी भी पूरी तरह से जल गई। घटना को लेकर पीड़ितों का कहना है कि आगजनी में घर का सारा सामान, अनाज और
और कपड़ा समेत रुपया भी जलकर खाक हो गया। वहीं आग लगने की सूचना जब तक आसपास के लोगों को मिली तब तक सब कुछ जल चुका था, जबकि जानकारी मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुँच कर आग पर काबू पाया। नुकसान होले दुबरिया चावल छे दुगो बकरीर बच्चा छे बर्तन छे दुगो बक्सा छे तीन गो चौकी ले 60,000 रुपया छे सब जरी गेले कोई चीज नहीं लखनी खाए के हलावत नहीं छे घर। अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर सुल्तानगंज में जीवन जागृति सोसाइटी आपदा फरिश्ता सम्मान को लेकर जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सह सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर जय कुमार सिंह ने सुल्तानगंज सीओ शंभू शरण राय को अंग वस्त्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। दरअसल तीन दिन पूर्व सीओ शंभू शरण राय ने आज कैबिनेट गंगा में डूब रही दो माँ बेटी की जान गंगा में छलांग लगाकर बचाई थी, जिसकी हर ओर सराहना हुई और संस्था के द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया गया। इस दौरान संस्था के जिला अध्यक्ष डॉक्टर जय कुमार सिंह ने कहा कि जीवन जागृति सोसाइटी ऐसे कार्य करने वालों को सम्मान करती है जो डूबते हुए लोगों की जान बचाकर उन्हें नया जीवन देने में अपनी भूमिका निभाते हैं। वहीं सम्मान समारोह में सीओ शंभू शरण राय ने संस्था के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आपदा की स्थिति में हर किसी को जरूरतमंद लोगों की सहायता करना ही मानवता की सेवा करना है। मौके पर जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष मुकेश ठाकुर, प्रभारी डॉक्टर राजीव कुमार झा, दीपक कुमार, मृत्युंजय कुमार समेत संस्था और पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। जो किए अचानक हुआ, जो हुआ हुआ, लगा कुछ अच्छा काम हमसे हो गया, लेकिन इससे और लोगों को प्रेरणा मिलेगी और आपकी संस्था इतनी अच्छी चीज़ कर रही है, नए युवा जो हैं उनको आपसे प्रेरणा लेना है और हमारे जज्बात को देखना है कि हम इस उम्र में कुछ कर सकते हैं। युवा भी इस तरह का पहल करें तो समाज को कुछ अच्छा संदेश और लाभ। सुल्तानगंज के सीओ साहब शंभू शरण राय साहब ने एक डूबते हुए महिला का जान बचाया और एक ऑफिसर होते हुए इतना इन्होंने किया, ये बहुत बड़ी बात है। इस उम्र में किया बहुत बड़ी बात है, डूबने का भी खतरा रहता है। अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की जान बचाने के लिए ही हम लोगों ने आपदा फरिश्ता सम्मान समारोह का आगाज किया है और यह हम लोगों ने पिछले दो महीना पहले विधान परिषद सभागार पटना में हम लोगों ने 81 आदमी को पूरे बिहार से ऐसे लोगों को सम्मानित किया जो कहीं न कहीं किसी का जान बचाया है डूबते हुए का सड़क दुर्घटना में। उसी कड़ी से को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज सीओ साहब को हम लोगों ने आपदा फरिश्ता सम्मान समारोह किया ताकि लोग इसको देखें और इससे प्रेरणा लें। विक्रमशिला सेतु पहुंच पर जहानवी चौक के समीप शुक्रवार की बीती रात ट्रक की चपेट में आने से बाइक पर सवार महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान जगतपुर निवासी विपिन यादव की पत्नी सलीता देवी के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि इस दौरान बाइक पर सवार उसका पुत्र और भांजे बाल बाल बच गए, जबकि महिला की मौत मौके पर ही हो गई। दरअसल घटना के वक्त मृतका अपने भांजे अनिल के साथ अपने बीमार बेटे मिथुन को लेकर अस्पताल गई थी, तभी लौटने के क्रम में अचानक सड़क हादसे का शिकार हो गई। वहीं घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने जहानवी चौक के पास घंटों रोड जाम कर दिया, जिससे इस मार्ग में आवागमन बाधित हो गया, जबकि ग्रामीणों ने ट्रक चालक को खदेड़ कर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। इधर घटना के काफी देर बाद पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची तो ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं नवगछिया सर्किल इंस्पेक्टर मार्केंडे सिंह और जगतपुर मुखिया प्रतिनिधि प्रदीप कुमार यादव द्वारा काफी समझाने के बाद भी ग्रामीण जाम हटाने को तैयार नहीं हुए। इसके बाद मौके पर नवगछिया एसडीओ इंद्र कुमार पाल ने लोगों से फोन पर बात कर मृतिका के परिजनों को मुआवजा देने का आश्वासन दिया और लोगों द्वारा जाम हटाया गया, जबकि मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल भेज दिया। एक्सीडेंट हुआ वो जहानवी चौक के पास हुआ है। कौन कैसे हुआ? ये लोग मोटरसाइकिल चालक जो भागलपुर जा रहे थे
और उधर से गाड़ी आ रही थी, उसी में गाड़ी ट्रक वाले जो तेजी में लापरवाही चलाते हुए मार दिया। कौन गाड़ी थी? ट्रक थी। अच्छा। इधर से मोटरसाइकिल था, जिसमें एक महिला के सवार थे। महिला जो फेंका गई जो ट्रक के नीचे चली गई, उसी में एक्सीडेंट हो गया, स्पॉट डेथ हो गया। भागलपुर जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में शनिवार को सेवानिवृत्त सैनिकों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के विभिन्न शाखाओं में गार्ड के पद पर नियमित भर्ती को लेकर भूतपूर्व सैनिकों की कार्यालय से सूची मांगी गई थी, जिसमें 2013 से 2018 तक भूतपूर्व सैनिकों की सूची कार्यालय की ओर से भेजी जा रही थी। वहीं इसका विरोध करते हुए भूतपूर्व सैनिकों ने कार्यालय में जमकर हंगामा और प्रदर्शन किया। इस दौरान सैनिकों ने कहा कि 2018 के बदले 2022 तक के भूतपूर्व सैनिकों सूची भेजी जाए, जिससे अधिक पूर्व सैनिकों को इसका लाभ मिल सके। इसके बाद हंगामा बढ़ता देख कार्यालय के पदाधिकारी ने भूतपूर्व सैनिकों की बात पर सहमति जताते हुए 2022 तक के भूतपूर्व सैनिकों की सूची विभाग को भेजने का आश्वासन दिया, जिसके बाद सैनिकों का हंगामा शांत हुआ। 2017 में रिटायर आए हैं, रिटायर आने के बाद अभी हम आए SBI का गार्ड का भर्ती निकला हुआ है, तो हम पूछे लिस्ट कब से कब तक का गया है, तो बोला 13 से लेके 18 तक गया है। तो हम बोले हम 17 में आए हैं, लिस्ट दिखाइए हमको, तो लिस्ट दिखाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, बोल रहा है लिस्ट नहीं है मेरे पास। ऐसा हो सकता है कि अगर आप लिस्ट भेज दिए तो ऑफिस कॉपी नहीं होगा इनके पास। और जिल बड़ा बाबू से पूछिए तो बोलता है उससे पूछिए, हमारा पदाधिकारी बोल रहा है आज नहीं आया है, तो कहाँ गया पदाधिकारी आज। बांका के अमरपुर में एक बार फिर से लुटेरों का आतंक बढ़ना शुरू हो गया है। लुटेरों ने शनिवार की अहले सुबह पुलिस प्रशासन को चुनौती देते हुए चपरी भाया बलुआ गांव के समीप स्थित बगीचा के पास हथियार की नोक पर एक युवक से लूटकांड की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान अपराधी हथियार के बल पर युवक से बाइक, मोबाइल और सामान के साथ नगद रुपये लूटने के बाद आसानी से फरार हो गए। मामले को लेकर भागलपुर के गुराडी सोनो गंगटी गाँव निवासी अभिमन्यु प्रसाद ने बताया कि वह शुक्रवार को अपने गाँव से बाइक लेकर अमरपुर थाना क्षेत्र के दौना गांव अपने रिश्तेदार के घर भोज खाने गया था, और शनिवार के अहले सुबह वापसी के दौरान बलुआ गांव के समीप स्थित बगीचा के पास दो बाइक पर सवार 6 बदमाशों ने उसका रास्ता रोक लिया और हथियार के बल पर मारपीट करते हुए लूट की घटना को अंजाम दिया। मामले को लेकर पीड़ित ने थाने में लिखित आवेदन देकर बाइक समेत लूटे गए सामान की बरामदगी की गुहार लगाई है। वहीं इसको लेकर पुलिस ने बताया कि युवक के आवेदन पर जांच करते हुए मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है और जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। देशभर में रविवार को मनाया जाएगा बकरीद, उलेमाओं ने कहा दूसरे धर्म की भावनाओं का रखे ख्याल। अंगराष्ट्रीय साहित्य समागम का हुआ आयोजन, कई हस्तियों को किया गया सम्मानित। बकरीद को लेकर जिले भर में सुरक्षा के रहेंगे पुख्ता इंतजाम, शहरी क्षेत्र में निकाला गया फ्लैग मार्च। हमीरपुर की युवती ने शादी का झांसा देकर प्रेमी पर लगाया यौन शोषण करने का आरोप, पीड़िता ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। और शॉर्ट सर्किट के कारण घर में लगी अचानक आग, घर का सारा सामान जलकर हुआ राख। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।